मेरे साथ के भी जितने लोग हैं वो सारे के सारे बाहर हैं, मैं ये क्या पढ़ा हूँ, क्योंकि मेरी कुछ पर्सनल इश्यूज थे, तो इस वजह से मैं शहर में हूँ। सर बोर्ड से ही इनका गुजारा होता है और कोई भी धंधा नहीं है इनके, कोई और जॉब नहीं है। लोगों के अंदर डर बैठा हुआ है, खासकर नैनीताल वासियों में, वो ये है लैंडस्लाइड का डर। हाय गाइस, क्या हाल है सभी का, आई होप यू ऑल आर गुड, सो वेलकम बैक टू द वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं डार्क साइड ऑफ लिविंग इन नैनीताल। सो नैनीताल में रहने में क्या क्या परेशानियां आती है उस पर बात करने वाले हैं, क्योंकि इतने लोग मुझे डीएम करते हैं ना भाई, बहुत किस्मत वाले हो यार तुम, यू आर वेरी फॉर्चुनेट डेट यू आर लिविंग इन नैनीताल। तो मैंने सोचा चलो इस पर बात तो करी जाए, एटलीस्ट लोगों को पता तो चले भाई नैनीताल में रहने में कितनी ज़्यादा परेशानियाँ आती है या कितनी ज़्यादा कठिनाइयाँ उठाने पड़ती हैं। देखा शुद्धिंदी, तो चलो इस पर बात करते हैं और चलो पहले शुरू करते हैं आज की वीडियो। खैर अभी सुबह का वक्त है तो झील में इतनी बोटिंग वोटिंग अभी नहीं हो रही है, क्योंकि थोड़ी देर बाद मेरे ख्याल से 12 बजे के बाद यहाँ पर एकदम चहल पहल हो जाती है, क्योंकि ये यहाँ का बोट स्टैंड है और बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है भाई। तो खैर ये कारो जितने भी नौ चालक हैं ना, इनका कारोबार से रीसी से चलता है घर बार। देखो ऑफ सीज़न होगा तो इनकी बोट्स नहीं चलेगी, इन्हें बिल्कुल भी मतलब कुछ नहीं, सिर्फ बोट से ही इनका गुजारा होता है और कोई भी धंधा नहीं है इनके, कोई और जॉब नहीं है, सिर्फ इनकी जो जॉब है सिर्फ बोट है और सिर्फ टूरिज्म बेस्ड। अगर नैनीताल की बात करें यार ना, नैनीताल टोटल मतलब 90% भी बोले जाऊँगा या 80% नैनीताल टूरिज्म बेस्ड शहर है। अगर टूरिस्ट नहीं होंगे तो नैनीताल शहर का अस्तित्व ही नहीं हो सकता। खैर ये बात तो सच है यार, टूरिस्ट है तो नैनीताल शहर है, विदाउट टूरिस्ट इस शहर को इमेजिन करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सारी इनकम जितनी भी आती है शहर में या लोगों के जितने भी यार पैसे ऐसे लोग कमाते हैं सिर्फ टूरिस्ट के वजह से कमाते हैं, बाकी काफ़ी लोगों की जॉब्स भी हैं जॉब्स के, लेकिन अलावा अगर बात करें तो 80-90% लोग सिर्फ बिज़नेस करते हैं, बिज़नेस के वजह से ही ये शहर चल रहा है उनका। लाइक किसी की अपनी जॉब है, कोई फुटपाथ में लाइक अपनी दुकान लगाता है, आप आए हो नैनीताल शहर तो आपने देखा होगा, सो लोकलाइट्स ही हैं। बाकी कुछ लोग रिक्शा चलाते हैं, कुछ लोग इधर उधर काम करते हैं, कुछ लोग ऐसा भी हैं कि लाइक किसी की दुकान में जॉब करके मतलब जितने भी 4-5 हज़ार रुपये मिल रहे हैं उसी से गुजारा कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत है जॉब्स की, तो नैनीताल में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। लाइक मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में क्या होता है, लाइक आप पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब्स कर सकते हो ईजिली, आप कोई मल्टी नेशनल कंपनी में एज एन कॉल सेंटर में जाके जॉब कर सकते हो या कोई भी मल्टी नेशनल कंपनी में जाके कुछ भी जॉब कर सकते हो, पार्ट टाइम फुल टाइम कुछ भी। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है यार, सीरियसली आप या तो किसी की दुकान में जॉब कर सकते हो या रिक्शा चलाओ या फुटपाथ में दुकान लगाओ, उसके अलावा देखो तो मतलब क्या, या तो कैंडल एंडल बनाओ या ऐसा ही है, या फिर तैयारी करो भाई एग्ज़ाम निकालने की, बस यही कर सकते हो और कुछ है नहीं, वेट करना पड़ता है। मतलब आप कोई एक्स्ट्रा अलग से जॉब कर कर पैसा कमा मतलब अच्छा पैसा नहीं कमा सकते हो। लेकिन ये रिक्शा स्टैंड के पास है जहाँ से रिक्शा उठाया जाता है, यहाँ पर से रिक्शा लिया और एक अमाउंट दिया इन लोगों को और पूरे दिन के लिए रिक्शा मिल जाता है, फिर उसी से लोग मतलब जो ज़्यादा गरीब तबके के लोग हैं वो दिन भर रिक्शा चलाते हैं। और ये देखो उधर सारे बहुत सारे रिक्शा दिख रहे होंगे, तो वहीं पर रिक्शा चलाकर वो लोग पैसा ऐसा कमाते हैं। एक चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब ये हर पूरे मतलब गांव देहातों में जो छोटे कस्बे हैं वहाँ भी होता होगा, पलायन बोला जाता है या इंग्लिश में माइग्रेशन बोला जाता है उसे, तो वो भी नैनीताल में बहुत ज़्यादा है। नैनीताल में लाइक आफ्टर 12th एक कॉलेज है DSB कैंपस, उसके बाद कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बचती है, इस शहर से बाहर निकलना ही पड़ता है फर्दर स्टडीज़ के लिए, या आपको जॉब करनी है अच्छी लाइक MNCs में नॉल, आप बाहर जाना है तो उसके लिए बाहर जाना ही पड़ेगा यार। यहाँ रह कर मतलब कुछ नहीं कर सकते हो, आपको या तो दिल्ली बॉम्बे या XYZ बैंगलोर जहाँ जाना है वहीं निकलना पड़ता है। लाइक मेरे साथ के भी जितने लोग हैं वो सारे के सारे बाहर हैं, मैं ये क्या पढ़ा हूँ, क्योंकि मेरी कुछ पर्सनल इश्यूज़ थे तो इस वजह से मैं शहर में हूँ, नहीं तो शायद मैं भी शायद बॉम्बे या दिल्ली में होता, क्योंकि जो मेरा प्रोफाइल रहा है वो एक्टिंग का रहा है। मैं मुझे करीब 15 साल हो गए हैं एक्टिंग मतलब सीखते हुए, सो स्टिल इट्स अ लर्निंग प्रोसेस, सो एक्टिंग तो लाइफ लॉन्ग मतलब पढ़ते जाओ वाला सीन है। तो इस शहर से बाहर निकलना पड़ता है यार, शहर में रहकर कुछ करना बहुत ही असंभव जैसा हो जाता है। तो पहाड़ी पे बहुत सारे घर दिख रहे होंगे इस वक्त, तो काफ़ी लोग मुझे DM करते हैं यार हमें नैनीताल शहर में घर लेना है यार, घर दिलवा दो मुझे। हाँ सीरियसली मुझसे करते हैं यार काफ़ी लोग क्वेरी कि मुझे नैनीताल शहर में घर दिलवा दो भाई, कितने का पड़ेगा। तो मैं आपको बताऊँ, नैनीताल शहर का तो सर्कल रेट है ना बॉम्बे के सर्कल रेट के हिसाब से चलता है, तो यहाँ पर 2 BHK भी ना 50 लाख रुपये का मिलेगा या 40 लाख रुपये का,
देखो ऐसा सीन है, मार्केट के जितना क्लोज होते हो ना तुम भाई, रेट उतना ज़्यादा हाई होता है। लाइक तुम अगर पीक पे ऊपर चले आओ तो ऊपर थोड़ा बहुत सस्ता मिल जाएगा, लेकिन यहाँ के जो रेट हैं यार, घरों के बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं यार। मतलब 50-50, 60-60, 1-1 करोड़ के घर मिलते हैं भाई। तो महंगे महंगे घर मिलेंगे इस शहर में। सो यार इस वजह से ना, तो यहाँ के लोकलाइज भी हैं ना वो, मतलब उसके बाद एक छोटा सा घर बनाने का दूसरा घर बना ही नहीं पाते हैं उस चक्कर में। यार एक जो सबसे ज़्यादा लोगों के अंदर डर बैठा हुआ है, खासकर नैनीताल वासियों में, वो ये है लैंडस्लाइड का डर। जब बारिश होती है ना यार, लगता है कि आज लैंडस्लाइड होगी, कल लैंडस्लाइड होगी, कभी भी। क्योंकि प्रेजेंट में अगर नैनीताल की स्थिति देखा जाए ना, नैनीताल शहर थोड़ा कमज़ोर हो गया है पहले के मुकाबले। इस शहर में बहुत ज़्यादा दबाव रहने लग गया है, लाइक टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं, गाड़ियाँ आती हैं। मतलब भी सर्वे भी आया था, उससे ही पता लगा था कि नैनीताल शहर अपनी क्षमता से ज़्यादा जो है भार उठा रहा है। तो यार उसके वजह से आसपास के इलाकों में लैंडस्लाइड तो होने लगी है, कब नैनीताल शहर के अंदर हो जाए, क्योंकि बारिश इतनी तगड़ी पड़ती है। और लाइक रात में तुम सो रहे हो, पता लग रहा है कि यार बहुत ज़्यादा आज बारिश होने वाली है, तो डर बैठा रह जाता है यार कि बारिश होगी, कहीं लैंडस्लाइड शहर के अंदर ना हो जाए। तो लैंडस्लाइड का खतरा बहुत भयानक है, और वो तो यार सब मतलब माइंड में रहता ही है सबके यार, कहीं शहर के अंदर ऐसा कुछ ना हो। लाइक एक चीज़ देखो, यहाँ पर बहुत सारी बाइक्स दिख रही होंगी, तो ये सारी टैक्सी बाइक्स हैं। तो यहाँ के जितने भी युवा हैं लाइक, जिन्हें यार करना ही है कुछ क्रिएट या कुछ नया करना है, तो उन्होंने अपना बिज़नेस क्रिएट कर रखा है ये टैक्सी बाइक। आप ये लोग रेंट पर देते हैं और लोकलाइट्स को छोड़ते हैं अपनी जगहों पर, और बाकी जितने भी टूरिस्ट होते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है इन टैक्सी बाइक से भी। तो ये नैनीताल कुछ ना कुछ तो करना ही है ना यार, देखो। तो इस तरीके से लोगों ने अपना बिज़नेस क्रिएट कर रखा है, क्योंकि बाहर जाकर शायद किसी की अपनी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है कि बाहर शहर से नहीं जा सकते हैं, तो यहीं पर ही कोई बिज़नेस क्रिएट करना है। तो इस तरीके से लोग अपने छोटे छोटे बिज़नेस करते हैं। यहाँ पर कैंडल्स को लेकर भी बिज़नेस होता है, या वुडन हैंडीक्राफ्ट भी है, तो लोग उसी में इन्वॉल्व हैं यार। फिर नहीं तो कुछ और संसाधन तो है नहीं, तो यहीं से ही कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट या कुछ इनोवेटिव होकर बिज़नेस करना है यार। एट द एंड यार आप इकोनॉमिकली या थोड़ा बहुत स्टेबल होना भी ज़रूरी है, तो लोग ऐसे ही लगे हुए हैं। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, कुछ अलग करने की कोशिश थी, क्योंकि मैं भी चाह रहा था यार कुछ ऐसा दिखाया जाए नैनीताल से रिलेटेड, यहाँ के लोगों से रिलेटेड, किस परिस्थितियों से लोग जूझते हैं। सो दिस इज इट फॉर टुडे, आई होप यू एंजॉय द वीडियो। सेट लास्ट आपको क्या करना है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जो लाल वाला बटन, उसे तोड़ो मोड़ो जोड़ो जो भी करो, बस सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे आपसे कोई और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा पिशुम।